क्लस्टर यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। सिलेबस पूरा न होने पर होने वाली परीक्षाओं की तारीख आगे करने की मांग। बोले एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिए जाए परीक्षाओं की तैयारी के लिए समय। 16 को बदलेगा मौसम। चिलेकलाल से पहले कड़ाके की ठंड। जमने लगा डल झील का पानी। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। इससे पहले बुधवार को श्रीनगर में इस मौसम की अब तक का सबसे सर्द रात रही। इस बार चिलेकलाल से पहले ही डल झील के अलावा अन्य जल स्रोत जमने लगे हैं। बदलते मौसम को लेकर यंग बाइट्स की टीम ने की बच्चों के डॉक्टर जीएस सैनी से खास मुलाकात। सैनी बोले, बच्चों में आ रहे किसी भी बदलाव को लेकर तुरंत करें डॉक्टर से संपर्क व डाइट का रखें खास ख्याल। जम्मू कश्मीर में 11 साल बाद आनंद कारज एक्ट लागू। प्रदेश के सिख समुदाय में खुशी। सिख पारंपरिक विभाग को कानूनी मान्यता के दायरे में लाया गया। सबसे पहले केरल ने इसे लागू किया, इसके बाद अन्य प्रदेश में इसे लागू किया गया, लेकिन अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू कश्मीर में ये एक्ट लागू नहीं हो सका था। रजौरी में सरकार ने वन रक्षकों को भी थमाए हथियार, अब आतंकियों का कर सकेंगे सफाया। जंगलों में बढ़ती तस्करी व आतंकी घटनाओं के बाद सरकार ने फॉरेस्ट प्रोडक्शन फोर्स को भी हथियार से लैस कर दिया है। अब वन रक्षक न सिर्फ मौजूदा मुस्तैदी से वनों की रक्षा करेंगे बल्कि आतंकियों का सफाया भी कर सकेंगे। भंडारे को सफल बनाने के लिए भैरव मंदिर के पुजारी रोमिल शर्मा ने किया एडमिनिस्ट्रेशन व भंडारे में आए हुए लोगों का धन्यवाद। कहा, सफल रहा भैरव मंदिर द्वारा आयोजित किया गया भंडारा। यंग बाइट्स ने किया जसवा से खास मुलाकात, जो बनी नीट उम्मीदवारों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण। लिखी हुई उनकी पुस्तक करती है मार्गदर्शन। गाड़ी में शूटिंग के लिए पहुंचे जॉन अब्राहम। बोले, खूबसूरत और शानदार है कश्मीर। जॉन अब्राहम ने कहा कि यहां हमारा शानदार स्वागत हुआ। कश्मीर के लोग बिल्कुल शानदार है और हर कोई यहाँ पर काम करना चाहता है। संसद का शीतकालीन सत्र में आज हंगामा करने पर लोकसभा से 14 और राज्यसभा से 1 सांसद किया गया निलंबित। कल बुधवार को बड़ी सुरक्षा उल्लंघन के बाद आज संसद के सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार के लिए किए गए कड़े उपाय लागू।